हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शंकर की, जय श्री राम। तो जो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होने वाली है वो है दादी के साथ। दादी बना रही है रोटी और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। और जो आज का मेरा ब्लॉग रहने वाला है वो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ आज। तो आज हम ढो रहे हैं गोबर मिर्च के लिए। और जो आज ढोएंगे हम वो ढोएंगे गोबर खच्चर पे। अभी खच्चर आई नहीं है, थोड़ी देर से आएगी। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। देखिए आज का जो मेरा पूरा ब्लॉग घर में ही शूट होने वाला है। दादी ने पूरी रोटियां लगा दी हैं, अब तो जो कराते वो धो रहे हैं। लास्ट रोटी बची है वो चूल्हे में सेक रहे हैं। हमारे घर में जो रोटी है वो आज भी चूल्हे पर बनती है। गैस पर तो हम कम समय बनाते हैं क्योंकि चूल्हे में जो खाना बनता है वो गैस से बढ़िया बनता है। दादी ने बना दी। दादी का जो आँख का ऑपरेशन हुआ था वो भी ठीक हो गया, दादी ने चश्मा लगा लिया। तो गाइस सुबह के 8:30 हुए हैं। अभी मैं सो के थोड़ा लेट उठा आज, क्योंकि जो है मैं शाम को जागरण में गया था और जो मेरे घर के सामने का व्यू बन रहा है वह अभी कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए आज बढ़िया धूप लगी है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि इतने दिन से तो बारिश हो रही थी। दादा धूप में सेक रहे हैं आराम से बैठ के। कोई तो गाइस अभी आया था मैं खेत में इधर फावड़ा ढूंढने के लिए भाई के खेत में, तो मुझे वो तो अभी मिला नहीं। और ये देख सकते हैं आप जो मेरे पीछे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये अपने ही खेत हैं। इसमें कनक थी जो काट दी है, अब इसमें हम शायद धान लगाएंगे। तब तक ऐसे रहेंगे, अभी इनको हमने इनकी जुताई भी नहीं की है क्योंकि अभी मिर्च का काम चला है, इसमें गोबर डालना कहीं गुड़ाई का काम। ये देख सकते हैं घास हो गया इसमें। देखिए गाइस ये अपने ही खेत हैं जो नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये जोत रखे, इसमें मिर्च लगाई है, पर हम इसमें धान लगाएंगे। अभी धान का टाइम आया नहीं है लगाने का। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये अपने घर के पास पानी का नाला है जहाँ से पूरी फसल के लिए सिंचाई को पानी जाता है। यहाँ से हमने लगाई है, यहाँ से समर्सिबल ऊपर के लिए। अभी जो आजकल खोल के रखा है क्योंकि बारिश बहुत हुई थी कि कहीं बह ना जाए, अब तो पानी कम हो गया। फाइनली गाइस खच्चर वाले ताऊ भी आ गए हैं। तो अब जा रहे हैं हम गोबर ढोने के लिए सड़क सड़क से। यहीं आगे जो है हमने गोबर गिराया है। है गाइस तो मैं पहुंच चुका हूं जहां से हम अब गोबर ढो रहे हैं। ये गोबर जो है हमने खरीद के लाया है गाड़ी में, यहां फेंका है, तो यहां से तभी खच्चर पे ढुलाई हो रही है। ये अपने पास है फावड़ा जिससे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। एक बार ही खच्चर पे लाद के गोबर वो मैंने भेज दिया है, अभी मैं यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ फैल गया है इधर नीचे। तो अभी दिखाता मैं आपको दोबारा जब खच्चर वापस आएंगे। तो गाइस अभी खच्चर लाद के मैं रेस्ट करने बैठा हूँ क्योंकि खच्चर के साथ ताऊ गए हैं गोबर लेके, और मैं रेस्ट करने बैठा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, ये गोबर है जो अभी हमने पूरा का पूरा शाम तक धोना है। अभी मैं रेस्ट करने बैठा हूँ और धूप भी आज तो इतनी तेज़ लगी है ना कि भयंकर पसीना पसीना आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद घर आके जो है काम कर रहा हूँ, तो इतनी आदत सी भी नहीं रही। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर खाना खाने के लिए क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। जा रहे हैं आगे मम्मी पापा और खच्चर।
साथ में था मुझे। हाय गाइस, तो लंच के बाद हम फिर से आ गए हैं गोबर ढोने के लिए। एक बारी मैंने लाद दिया है तो वो खच्चर लेके चले गए हैं, और अब बस एक दो चक्कर ही बचा है इधर, उसके बाद यहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद जो अपने घर का है हमारा पशुओं का, फिर उसको ढोएंगे। अभी यहाँ एक दो चक्कर बचा है, इसको भरने के बाद देखते हैं आगे। देखिए अब तो थोड़ा सा बचा है इधर, बाकी हमने सारा ढो दिया है। तो गाइस अभी हमने पूरा जो गोबर है वो ढो दिया है, और अभी अब हम जा रहे हैं मिट्टी ढोने के लिए। गाइस ये आ गया मैं अपने खेत में, यहाँ लगाई है मिर्ची जहाँ के लिए हम गोबर ढो रहे हैं। देख सकते हैं इसमें हमने गोबर डाल दिया, अब धूप लगी अभी काफ़ी। गाइस ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है आम का पेड़, जो हमारा आम का पेड़ है, दिख रहा होगा आपको। ये लगे इसमें भी छोटे छोटे हैं, ये कच्चे हैं। ये गाइस छोटे हैं अभी ये। पूरे पेड़ में अभी आम है, कुछ तो झड़ गए ओलों की वजह से, पर फिर भी अभी काफ़ी हैं। ये अमरूद का पेड़, ये तो बुढ़ा हो गया अब। तो गाइस अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पे जहाँ मिट्टी खोद रहे हैं पापा, और तो वो आगे चले गए थे। मैं थोड़ा साफ़ कर रहा था वहाँ पे जहाँ मिट्टी गिरानी है गौशाला के पास, और अब मैं भी जा रहा हूँ मिट्टी भरने के लिए। अब मिट्टी वो भी खच्चर पे लाएंगे, शायद उन्होंने खोद भी दी होगी अब तक, भर रहे होंगे। तो है गाइस मुझे ऑर्डर हो गया कि तू गोबर डाल, मिट्टी हम खुद ढोलेंगे। तो मैं वापस आ गया खेत में, और यहाँ चाय भी आ गई, मम्मी की भी चाय। अभी हमने डालना है गोबर मिर्च के पौधों में, कुछ में तो डाल दिया है, बाकी कुछ खेतों में बचा है। ये आ गई अपनी चाय, हाथों में भी गोबर ही गोबर लगाए, मम्मी पी रही चाय। पूरे हाथों में गोबर ही गोबर, ये फफोला भी पड़ गया इधर, बहुत दिन बाद काम किया। तो गाइस ये अपने पुराने घर थे यहाँ पे पहले, अब तो यहाँ नहीं रहते, ये सारे टूट चुके हैं।
तो गाइस यहाँ से हम गोबर जो है ढो ढो के आगे खेत में डाल रहे हैं। ये खच्चर के साथ हर खेत के कोने कोने में ढेर लगाए हैं, वहाँ से फिर अब आगे ढो रहे हैं। और तीन खेत तो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए जिनमें डाल दिए, अभी ऊपर के बचे जिसमें डाल रहे हैं। तो गाइस अभी हमें जो है एक ही खेत बचा है अब गोबर डालने के लिए मिर्च में, बाकी हमने पूरा डाल दिया, बस ये वाला खेत बचा है बस यहाँ से और परे तक, बाकी जो हमने पूरा डाल दिया है। और दादी आम तोड़ रहे हैं ऊपर चटनी के लिए, दादी ने अब आम तोड़ रही है यहाँ पे चटनी के लिए, आम का पेड़। देखिए गाइस दिन भी जो है ढल गया है, ख़त्म हो गया आज का दिन, सूरज जो है अस्त हो गया है पहाड़ों के पीछे। और अभी हमें इतना जो है खेत बचा है आगे को डालने के लिए, देखते हैं पूरा डलता है या नहीं। यह है इवनिंग व्यू, है गाइस। तो अभी रात हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी अंधेरा लग गया होने, और हमने जो है पूरे खेतों में गोबर जो खाद है वो डाल दिया है, और अब हम जा रहे हैं घर को। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। और ये था मेरा जो आज तक का व्लॉग, यहीं पर ख़त्म हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।